देखिए अखिलेश यादव बिजली नहीं दे पाए थे तो फ्री की बात। और मोदी जी ने 5 साल में जो काम किया है वो हमें जनता पार्टी की सरकार है वही नगला रजुआ का रास्ता आज तक नहीं बनाया। और आपको बताना चाहता हूँ युवा राष्ट्र निर्माण में सबसे सर्वोपरि है। कोई भी घोटाले का आरोप नहीं लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। क्या मुद्दे अगली बार चुनाव जीतने? नमस्कार, न्यूज विलेज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनील जोगी। आज दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष मौजूद है हमारे बीच में, लोधी जी जानते हैं इनसे चुनावी सरगर्मियां चली हुई हैं। विधानसभा 77 में जो कांटे की टक्कर होनी है उसके बारे में जानते हैं। लोधी जी जानना चाहेंगे किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है चुनाव में? व्यवस्थाएं बिल्कुल बढ़िया चल रही हैं। युवा मोर्चा ने हरेक मोड़ पर हरेक क्षेत्र में अपनी व्यवस्थाएं संभाल रखी हैं। मंडल अध्यक्ष ने मंडल में जितने भी प्रत्येक गाँव हैं हरेक घर पर एक झंडा लगाना, एक स्टिकर लगाना, घर घर जाकर डोर टू डोर, क्योंकि कोरोना का माहौल चल रहा है इसलिए कोरोना के कोविड नियम पालन करते हुए डोर टू डोर 5-5 लोगों की टीम बनाकर घर घर डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है और संपर्क किया जा रहा है। आज जिस तरीके से कैंप कार्यालय में जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम है आज? आज ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु दत्त जी आज हमारे बीच आ रहे हैं और यहाँ पर जो विधानसभा इगलास के हमारे 20 मंडल में 20 की टीम है तो 100 लोगों की एक बैठक लेंगे और वो मंत्र बताएंगे कि कैसे प्रचंड जीत इस विधानसभा में हासिल की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे हैं अगली बार चुनाव जीतने के? देखिए मुद्दे तो सिर्फ विकास और विकास और विकास। आप ये देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो विपक्षी की जितनी भी पार्टियां हैं आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री पर, किसी भी पदाधिकारी पर कोई भी घोटाले का आरोप नहीं लगा रहा है। आप पेपर देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, आप खुद पत्रकार हैं, आप देखते होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो घटिया राजनीति कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। जानना चाहेंगे कुछ क्षेत्रों में चुनाव का बहिष्कार हो रहा है, उसका कारण क्या मान सकते हैं आप? देखिए मैं बहिष्कार तो नहीं कहूँगा कि बहिष्कार हो रहा है, लेकिन क्या है कि जैसे कि विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनको दिख रहा है कि उनका वजूद बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो देखिए हर एक पार्टी का हर एक गांव में 10-20-50 वोट तो होता ही है, तो 10 लोगों को सामने खड़े कर वो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं, वो ये जताना चाह रहे हैं कि ये गाँव है और ये चुनाव का बहिष्कार कर रहा है, जबकि स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। वहाँ पर कहीं किसी भी गाँव में कोई भी बहिष्कार नहीं है। लगभग आपके कार्यक्रम में आज कितने लोग शामिल होंगे? 100 लोगों को बुलाया गया, 100 पदाधिकारियों को। क्या क्या व्यवस्था आज के कार्यक्रम के लिए? नहीं, व्यवस्था तो बस सिर्फ बुलाया गया है, बैठक लेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और जो मंत्र हैं जीत के और अपनी बात रखेंगे। तो अभी हालांकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं पहुँचे हैं, कुछ समय बताया जा रहा है कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी पहुँचने वाले हैं, देखना बाकी रहेगा क्या मंत्र होंगे और भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर इस अखाड़े में कूदी और क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से चुनाव जीतना चाहती है यहाँ से दिखाएं। शर्मा जी भी मौजूद हैं हमारे बीच में। महेश जी किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, युवा क्या रोल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, युवा राष्ट्र निर्माण में सबसे सर्वोपरि होते हैं और अब लड़ाई राष्ट्रवाद की चल रही है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। कुछ जगह स्थानीय समस्याएं हैं, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हो रही हैं, कुछ पार्टियां अलग अलग तरह के नए नए सिबुके चलवा रही हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों से ऊपर हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। हम राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और राष्ट्र की लड़ाई में सभी युवाओं की आहुति है, सभी युवा हमारे साथ हैं और हम आपको भी पता है, सभी चैनलों के माध्यम से भी पता है, हम ये इगलास एक तरफा जीत रहे हैं। जिस तरीके से आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उसी क्षेत्र में कल जो है विरोध हुआ है, चुनाव का बहिष्कार हुआ है, वो किसी व्यक्तिगत पार्टी का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जो अपनी बात मनवाने का तरीका निकाल रहे हैं वो अपने ही लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं, हमारे साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे, कुछ उनकी समस्याएं जायज समस्याएं उनके लिए हम बिल्कुल सांत्वना दिलवाएंगे, उनके बीच में जाएंगे, उनसे बात भी करेंगे और उनकी समस्याओं के लिए पूर्ण आश्वासन दिलवाएंगे और वो मान जाएंगे, अपने लोग हैं सब। जहाँ पिछले 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं नगला रजुआ का रास्ता आज तक नहीं बना है और आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कहेंगे? पहले हमारे मंदिर जो बन रहा है राम मंदिर, पहले वो जरूरी है, आफ्ता फड़क हो चाहे ना हो वो तो आने जाने का तो रास्ता है ही, परंतु हमारे लिए देश के हित में जो राम मंदिर बन रहा है पहले वो जरूरी है। अब बात राम मंदिर की करते हैं तो कृष्ण जन्मभूमि में भी मस्जिद घुसी पड़ी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
अभी नंबर हाँ मंदिर का है, अभी जीतने के बाद उसका ही नंबर है, जाने की बारी है। मथुरा पहले अयोध्या फिर मथुरा। क्या कहना चाहेंगे भाई जी, युवा किस तरीके से काम कर रहा है बीजेपी में? युवा बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और हमारे इगलास विधानसभा के सभा के युवा जो हैं सभी साथ हैं और पर डे गांव-गांव घूम रहे हैं और जनता का भी रुख जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है और युवाओं को इस बात से ज़्यादा जोश है जो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक भी रहे हैं उनको दोबारा टिकट मिली है और उन्होंने यहाँ राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी भी यहाँ दी है बच्चों के लिए और सभी युवाओं के लिए। जिस आपके युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा अभी कि कोरोना नियमों का पालन करके हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कितने नियमों का पालन कर रहे हैं आप? कोविड प्रोटोकॉल का सभी नियमों का पालन किया जा रहा है, जितना हमें आदेश दिया गया है कि इतने लोग यहाँ इकट्ठे होंगे उतने ही लोग हम यहाँ इकट्ठे कर रहे हैं और हम ज़्यादा भीड़ नहीं जुटा रहे और कोई भी बीमारी से बचने के लिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी कर रहे हैं हम। आज का मुख्य कार्यक्रम क्या है आपका? आज का मुख्य कार्यक्रम है प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं और यहाँ युवा सम्मेलन है, वो यहाँ पे चुनाव के लिए बता के जाएंगे, जो भी गाइडलाइन है वो हमें दे के जाएंगे। किस किस जगह से और कहाँ कहाँ से और कितने युवा लोग यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ पे हमारी इगलास विधानसभा के पांचों मंडलों से टीम है और अदर मंडलों से टीम नहीं बुलाई गई है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है। इगलास के अलावा कहीं दूसरा मंडल कार्यक्रम होगा आपका? वो तो खैर में है, खैर बरौली अन्य जगह पे हैं, लेकिन यहाँ पे सभी अभी इगलास विधानसभा का है। आइए जानते हैं सैनी जी राजस्थान जयपुर से चल के आए, इनको प्रवासी बनाया गया इगलास विधानसभा का, तो इनसे भी जानते हैं सैनी जी किस प्रकार की व्यवस्था चल रही विधानसभा 77 इगलास में। देखिए जहाँ तक इगलास विधानसभा में हम हर ढानी हर गांव में गए हैं जी। तो हर गांव हर ढानी में हमारा पहले से टीमें हैं जो अपना कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं, जहां हमारे प्रधान हैं, हमारे सरपंच हैं और हमारे हर क्षेत्र के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता है और उनके साथ जो जनता का जो रुझान हमें देखने को मिल रहा है कि योगी जी और मोदी जी के नाम पर पूरा इगलास विधानसभा एक मुखी होकर उस 10 तारीख का इंतजार कर रहा है। 10 तारीख को जो भी पार्टियां हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और ऐतिहासिक वोटों से इगलास विधानसभा को हम विजयी होंगे, क्योंकि जो योगी जी और मोदी जी ने 5 साल में जो काम किया है वो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, हर जनता उसका लाभ पा रही है और उसका लाभ उठा रही है। सर जानना चाहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा बनाया है उस युवा मोर्चा की 3 खासियत बताइए कि बीजेपी ने उनको क्या 3 खासियत के साथ फील्ड में भेजा है? नहीं, जहाँ तक युवा मोर्चा की बात है, युवा मोर्चा हमारा हरावल दस्ता है और युवा मोर्चा हमारा भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। हमने उन्हें विभिन्न समितियों के माध्यम से, टुकड़ियों के माध्यम से उनके काम का विभाजन किया है। हर मोटरसाइकिल पर एक एक बड़ा झंडा लगाकर और वो हमारे हर शक्ति केंद्र हर बूथ तक पहुँचेगी उनकी टीमें और सहयोग लेके और कोविड की पालना करते हुए और सरकार से अनुमति लेते हुए हम छोटी छोटी टोलियों में हर बूथ हर उस बूथ तक और शक्ति केंद्र तक हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता। जिस तरीके से आपने कहा कि हम प्रशासन की मदद लेके, क्या मदद लेंगे आप प्रशासन? मदद नहीं, अनुमति लेकर भाई, आज कोविड का ये जो है अनुमति कोई ऐसी नहीं है। अनुमति लेने का मेरा बात यह है कि जैसे 20 लोग, 25 लोग या 50 लोग जो हमें अनुमति मिलेगी उस संख्या में हम कोविड की पालना करते हुए हर बूथ हर शक्ति केंद्र तक हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पहुंचेगा। कुछ ना कुछ खास तो भी जो जयपुर से आपको यहाँ भेजा है, क्या दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेके आएंगे आप? देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि हर उत्तर प्रदेश का नागरिक, हमारे कार्यकर्ता तो हमारे साथ है, हर नागरिक पूरे भारतवर्ष उनको देख रहा है। हम 300 प्लस करेंगे और पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ हम आएंगे, ऐसी जनता की भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमने जो 5 सालों में जो काम किया है, विकास किया है, उसके ऊपर हम वोट मांग रहे हैं और हमको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम 10 तारीख को जब चुनाव हो जाएंगे और 10 तारीख को, अगली 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हम जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के 3 विशेष अच्छे काम गिनाए आप जो है जी। भारतीय जनता पार्टी के 3 विशेष अच्छे काम गिनाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी का तो प्रमुख काम यही है कि जो भी प्रदेश का
जो भी गरीब को गणेश मानकर हमारी भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और हर आप किस क्षेत्र की बात करना चाहते हैं, मैं अगर काम गिनाने लगूंगा तीन नहीं, मैं 3000 काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करे हुए गिना सकता हूं। लेकिन आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, वो जो 70 सालों के अंदर जो नहीं हो पाया वो हमारे 5 सालों में काम हुआ है। और युवाओं के बारे में देख लीजिए, युवाओं के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं, नौकरियों के बारे में और उद्योगों के बारे में। आज यूपी पिछड़ा हुआ माना जाता था, आज अग्रणी देशों की गिनती में यूपी आता है। शिक्षा के क्षेत्र ले लो, चिकित्सा का क्षेत्र ले लो, और आप किसी भी क्षेत्र में बात करें तो हर क्षेत्र में हमारा भारतीय जनता पार्टी जब से यूपी में आई है, जब से अग्रणी श्रेणी में हमारा काम करने का काम किया है। बुजुर्गों की बात ले लो आप, बुजुर्गों के लिए हमारे पेंशन के रूप में, उन्हें सहायता के रूप में दिया है। बहुत सारे काम है, हमारे हॉस्पिटल है, कॉलेज है, हमारे कार्यकाल में बनी है यहाँ, तो बहुत सारे काम है। गिनाने लगूंगा तो हमें पूरा दिन और पूरी रात हो जाएगी, हमारी उपलब्धियाँ गिना नहीं सकते। जनता तक पहुँची हुई है हर जनता, ये हमसे नहीं, हमारे किसी भी आम जनता के कार्यकर्ता से आप बात करें, वो अपने आप आपको 300 उपलब्धियाँ गिना देगा आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जानेंगे इन्हीं के साथ में, प्रदेश अध्यक्ष जी आने वाले हैं, उनसे भी जानेंगे क्या व्यवस्था है। देखिए विधानसभा का चुनाव है, सारे नौजवान भाजपा के प्रति आकर्षित हैं, योगी जी के समर्थन में हैं। और उसका कारण है कि योगी जी ने पुरानी सरकार जो थी वो एक जाति के लोगों को नौकरी देती थी और पैसा वसूलती थी। इस सरकार में ईमानदारी से नौकरी मिली, कोई पैसा किसी को नहीं देना पड़ा है और हर बिरादरी के लोगों को मिली है। बिजली आई है, अपराधियों पर कार्रवाई हुई है, नौजवान आकर्षित है और भारी बहुमत की सरकार बनाएगा, उन्हीं नौजवानों के बीच हम इस कार्यक्रम में आए। सर क्या क्या चुनावी वायदे अगली बार भाजपा सरकार जो सत्ता में आएगी? भाजपा सत्ता में आएगी तो जितना अच्छा काम इस बार किया है इससे और आगे बढ़कर काम करेगी। नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, विकास हो रहा है, रक्षा क्षेत्र में नई उपलब्धियां हो रही हैं, नौजवानों के लिए और रोजगार आएंगे, यही सब काम। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी 300 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अखिलेश यादव बिजली नहीं दे पाए थे तो फ्री की बात कहाँ से करेंगे, वो तो केवल ढकोसला है। जो आदमी बिजली ना दे पाया और पूरे हफ्ते बिजली गायब रहती थी, तो ये केवल चुनावी जुमले हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। और भाजपा की सरकार आने वाली। सर जानना चाहेंगे राम मंदिर कब तक बन के तैयार हो जाएगा आपको? राम मंदिर का काम रात दिन तेजी से चल रहा है और शीघ्र ही अगले लोकसभा के आसपास जो है राम मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा। जिस तरीके से मथुरा में जो है कृष्ण जन्मभूमि में भी मस्जिद घुसी हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हम लोगों ने राम मंदिर का भी कितना सुंदर इस सरकार ने काम करना शुरू किया है, काशी का भी किया है और आने वाले दिनों में मथुरा का भी जीर्णोद्धार और बहुत भव्य मंदिर का निर्माण होगा, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है।